एस रहमान की रिपोर्ट। महाकुमारी संस्थान के द्वारा घंटाघर से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा घंटाघर से नशा मुक्ति के लिए आमजन को संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक प्यारे लाल मीणा ने किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ मिलकर संस्थान यह कार्यक्रम हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नशा हमारे समाज में नैतिक मूल्यों को समाप्त कर रहा है। वर्तमान समय में नशीली दवाइयों का दुरुपयोग कर इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करता जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के अर्पण दीदी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशीली दवाओं का और अवैध तस्करी के खिलाफ आम जनता संदेश पहुंचाना है। वर्तमान समय में मनुष्य मानसिक तनाव और संग दोष के कारण नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है। आज के नशा मुक्ति कार्यक्रम में लगभग 150 भाई बहनों ने स्वच्छता से नशा छोड़ने का रजिस्ट्रेशन करवाया। इस अवसर पर ऋतु दीदी, पूनम दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कवि प्रदीप कुमार, रितेश कुमार, माधव माधव दास, वृद्धि चंद, गुर्जर खेमचंद आहूजा, बीकेपी के पांचू लाल, ओम प्रकाश गुप्ता, राम प्रसाद राजेंद्र, तुलसी राम मीणा, रामगोपाल मीणा, बंशीधर अमृतलाल, सुमित्रा रुक्मणी, किसकंधा बिना, सूरजमल रामशंकर, दिलीप महेश, मनोज सहित संस्थान के सदस्यों ने नशा मुक्ति कार्यक्रम का संदेश दिया। उसके कारण ही वो आज ग्रसित है। उनके लिए हमें कैसे राज्य करा अपना जीवन शैली को परिवर्तन करके अपना अपने को सशक्त करें, अपने मनोबल को सशक्त करें, इसी विषय को लेकर आप ये जो प्रोग्राम रखा है। मेरा नाम है बीके कपटना। हम यज्ञ के बालाजी जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वहीं हम स्वच्छता पर सेवा करते हैं।